मैं आचार्य मनीष आप सब पत्रकारों के माध्यम से लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं कि कैसे खाने पीने का ध्यान रख के आप घर पे अपने आप को ठीक कर सकते हो। सबसे पहले रात को ब्रश करके सोना है। ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट एंड किडनी पेशेंट बता रहा हूं जो आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है। सबसे पहले रात को आपको दांत साफ़ करने हैं। जब भी सोना है सिर पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए, मतलब सिर जो है सोते समय पूर्व या दक्षिण में होना चाहिए। और जब सुबह आपकी नींद खुल जाए तो बाईं करवट उठना होता है। लेटना भी हमेशा बाईं करवट है, उठना भी हमेशा बाईं करवट है। और जब जो भी आप खाते हो अंगूठे के नाखून के टुकड़े जितना आपका खाने का टुकड़ा होना चाहिए, बाइट होना चाहिए, और उसको भी 32 बार चबाना होता है। और पानी भी हमेशा घुट घुट करके मुँह में घुमा के चबा के फिर लेना चाहिए ताकि मुँह की लार पानी में भी और खाने में भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपने मुंह में खाने का पाचन नहीं किया, पानी का पाचन नहीं किया, वो आपके लिए अंदर बीमारी बनाता है, इसीलिए बॉडी में फ्लूड भरता है। और आजकल आप सुनते हो किडनी बहुत ज़्यादा फेल हो रही है, लोग नारियल पानी, जूस का गिलास, पानी का गिलास एक घुट में पी जाते हैं। कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना होता, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना होता, हमेशा आराम से ठंडे मन से शांत मन से बैठ के पानी पीना चाहिए और बैठ के ही खाना खाना चाहिए। और जिस दिन मूड ख़राब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, परेशान हो, रो रहे हो, उस दिन खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना हजम करने के रस हमारे शरीर में नहीं है। जैसे आपके घर मिक्सी है, जब आप मिक्सी में सामान पीसते हो तो गर्म हो जाती है तो बंद कर देते हो, ऐसे ही भगवान ने हमारे शरीर में उस दिन एंजाइम्स ही सिक्रेट नहीं करता जिस दिन हम खाना टेंशन में खाते हैं, तो इसीलिए टेंशन वाले दिन खाना नहीं खाना होता। इसके अलावा जो भी खाना है नाश्ता लंच और डिनर, उनसे पहले खाना में जो भी खाना है उससे पहले सैलड या फ्रूट की बड़ी प्लेट चबा चबा के खानी है, मतलब सैलड फ्रूट खाने से पहले खाना है। और कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। अगर खाना खाने के साथ पानी पीना है तो बिल्कुल गर्म 70-80 डिग्री टेम्परेचर का पानी, मतलब गर्म गर्म चाय की तरह उसको पीना है एक एक घूट करके। और जब भी कभी आपको कोई भी पहला लक्षण आए किसी भी तरह के फ्लू का, बुखार का, जुकाम का, खांसी का, किसी भी तरह की सर्दी लग जाए, कोई भी इन्फेक्शन लग जाए, इमीडिएटली अपने पांवों को एक बाल्टी में 40-42 डिग्री गर्म पानी करके उसमें बैठ जाएं और एक गर्म गर्म पानी का गिलास पिएं। आधा घंटा ऐसे करेंगे तो जैसा भी बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, फ्लू हो, चाहे कोरोना हो, कोविड-19 हो, कोई भी सिम्टम आना, दो घंटे के बाद आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनको अपनाकर आप खुद ही स्वस्थ हो सकते हो। और आयुर्वेद का प्रमुख सूत्र भी है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, यानी कि अगर रोग हैं तो कुपित मल की वजह से है, यानी कि गंदगी को निकालना, तो उसके लिए आप अपने घर पे उपवास रख के भी गंदगी को निकाल सकते हो, नहीं तो आयुर्वेद पंचकर्मा की सहायता से भी हम बॉडी से गंदगी को निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब पानी का डॉक्टर की तरफ तो हम पहले ही चेकअप कर रहे हैं कि अगर कोई समस्या है तो आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से आप और आपके परिवार को हम आयुर्वेद की शक्ति दिखा सकें, ताकि अगला कोई प्लैंडेमिक जब प्लान करे तो उसको पता हो कि इस देश में आयुर्वेद चलता है। क्योंकि होता क्या है कि आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को लोग सेकेंडरी चॉइस मानते हैं, हम इसको फर्स्ट चॉइस बनाना चाहते हैं, तो वो बिना पत्रकारों के सहयोग के संभव नहीं है। और जब पत्रकारों को पता लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम आयुर्वेद से ठीक होती है तो नेचुरल बात है बाकी सारे समाज को भी पता चलेगा कि आयुर्वेद को पहली चॉइस बनाना है और आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचाना है। सर कैंप से पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था, उसमें जो बातें मुझसे बताएंगे। एक्चुअल में क्या है, आज वाइब्रेशन एज मेडिसिन करके एक कोर्स लॉन्च किया है श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ की, तो उसी कोर्स की लॉन्चिंग भी है और उसी कोर्स की लॉन्चिंग में आपको इन्वाइट भी किया कि आप लोग और आपके परिवार वाले किसी को भी कोई हेल्थ संबंधित इशू है या कोई जानकारी चाहता है, कोई डिस्कशन चाहता है। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को शुगर लगभग हर घर में है, बीपी लगभग हर घर में है, और शुगर और बीपी जब कई साल पुराने हो जाते हैं तो किडनी फेल या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों ने आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से और डाइट को सही करके उसके माध्यम से हम लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि आप घर पे ही अपने डॉक्टर खुद बन सकते हो, आपको कोई बड़े ट्रीटमेंट की, इलाज की, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं। शुगर को, बीपी को, किडनी फेल जैसी बीमारियों को, हार्ट की प्रॉब्लम को रिवर्स किया जा सकता है, जैसा हम आज ट्रेनिंग में लोगों को बता भी रहे हैं कि अपने घर पे कैसे ध्यान रखना है। और कोई संदेश देना चाहिए सर आप? संदेश यही है, सारा भारत स्वस्थ रहे, आयुर्वेद को अपनाए, नेचुरोपैथी को अपनाए, तभी इस देश का भला हो सकता है। और मैं सारे आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के दर्शकों को बोलना चाहूँगा, लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, किसी भी एक बार डॉक्टर के
बातों में आकर ऑपरेशन के लिए या अंग कटवाने के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए तैयार मत हो जाया करो। पहले आयुर्वेद या नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ से संपर्क कर लिया करो कि क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है या क्या मेरी बॉडी में ऐसी ताकत है कि मैं इस बीमारी को खुद ही हरा पाऊँ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से ऑपरेशन या कोई भी ट्रांसप्लांट कराने से पहले इंसान को एक बार आयुर्वेद के विशेषज्ञ से मिलना ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद।